मतलब वो सब अच्छा होगा। एडमिट कर लिया गया है और मुझे ये दवाई का पर्ची दिया गया है। मिसेस अभी कुछ देर में जो है मिसेस के हाथ में बेबी होगा। बाय बाय। ना 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 तुम लोग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमको, इतना अच्छा लग रहा है कि हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। मिसेस को अभी दर्द उठा है सुबह से और यहाँ पर जो है मिसेस अभी थोड़ा रो रही है। क्या हुआ मतरू बबू? सब अच्छा होगा, कोई ना, अभी हम लोग हॉस्पिटल चल रहे हैं, सब रो, रोना नहीं चाहिए। अभी तो हंसी है बाबू, हर एक चीज़ दही है ना, दही दही खिला दो, दही खिला दो, दही दही तो पैकेट रखल बाटे। कोई ना, कान्हा जी को प्रणाम कर लो, कान्हा जी को प्रणाम कर लो, ऊपर फिर भगवान को भी प्रणाम कर लेना। चलो दही चीनी खिला दीजिए। कोई ना, सब अच्छा अच्छा होगा बाबू, कोई ना। हम तो है ना, हमको कितना खुशी हो रहा है, अभी आ जाएगा मेरा जुजू, मेरा जुजू। चलो कल हम लोग लास्ट रील बनाए ना, उसके बाद ही बब्बू आ जा रहा है। सब पूछ ही रहा था कब आएगा कब आएगा, तो अब शायद भी नहीं पता था कब आएगा, इतना अचानक से आ जाएगा किसको पता था। और आज फर्स्ट में भी है, अभी देखते हैं हॉस्पिटल जाने के बाद। वैसे भी मैंने प्रेडिक्ट किया ही था फर्स्ट वे को, अभी देखते हैं अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अब देखते हैं, अब हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा क्या बोलते हैं। वैसे तो मैम जो है डॉक्टर को फ़ोन किया गया था तो उन्होंने बोला हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के। चलो दर्द हो रहा है अभी भी? अच्छा, मेरे बच्चा बच्चा देगा और और मिसेस जो है पहले भगवान को थोड़ा सा जो है माथा टेकने जा रही है ना। चलो चलो देखते क्या होता है। यहाँ पर जो है दही खिलाया जा रहा है मिसेस को, दही जैसा खट्टा मीठा बच्चा होगा राखी दा। मम्मा अब नाश्ता, मम्मी हमको नाश्ता करवा दिया, फिर पता नहीं कितना बजे खाने को मिले। चलो सबका आशीर्वाद लेके धीरे धीरे लेके जाओ। सब रख ले। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मिसेस के यहाँ पर बीपी चेक होता है, ऑक्सीजन लेवल चेक होता है और मैं फॉर्म वगैरह फिल करके जो है उसको सिग्नेचर करके एडमिट करवा देता हूँ। अभी मिसेस को जो है एडमिट कर लिया गया है और मुझे ये दवाई का पर्ची दिया गया है। देखते हैं नॉर्मल होता है कि सीज़र क्या होगा पता नहीं। ये रही मिसेस, अभी कुछ देर में जो है मिसेस के हाथ में बेबी होगा। कुछ देर में होगा एपी, मैंने बोला था ना फर्स्ट में। सही हो गया। बहुत खुश हूँ मैं। दो चोटी हाँ, हेयर नहीं जाना चाहिए ना, अब उस पर टोपी पहना दे। खेल रहा है बेबी? हाँ कितना अच्छा खेल रही थी यहाँ पे। काश देखिए यहाँ पे बेड नंबर गलत देख दिया, अभी जाए अभी आएगी नीचे से बोलेगी, वही हम बोले अभी तो चल गया, मेरा बेटी होने के बाद मेरा उसके हाथ में जो ये टैग रहेगा वो गलत नहीं होना चाहिए। बोली तो हाँ बोल दिए। ये लोग ऐसे ही करते हैं जल्दीबाजी में तो इमरजेंसी में किया ना हम लोग, इसी वजह से अभी तो पूरा खाली है, मतलब तुम्हारे लिए पूरा खाली है। ओके ओके, हम तो देखेंगे ये बेबी को पहले, तुमको तो किसी देगा पहले ही। अभी मैम आके चेक करके बताएंगे। देखो क्या होता है।
बहुत अच्छा लग रहा है ये फीलिंग, अभी हाथ मिलेंगे तो क्या फीलिंग रहेगा। मम्मी भी आ रही है ऑन द वे, बाय। अब इसको अकेले छोड़ना पड़ेगा, फिर जब टाइम आएगा तब हम लोग आएंगे ना। बाय बाय बाय। रागिता को ऑपरेशन थिएटर पे लेने के बाद हम सभी जो बेसब्री से खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, साथ साथ थोड़ा सा टेंशन भी लगा हुआ था क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे वो रूसी सर रो रही है, बोल रही है हमको जो चाहिए था वो मिल गया, और रोने लगा। भगवान देखे दिल से मांगो हर चीज सुनते हैं। रागिता को अभी जनरल वार्ड में जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, और अपने एक्सपीरियंस बताओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेशन के बाद क्या बेबी हाथ में दिया था? नहीं सिर्फ फील, मतलब टच करके फील करवाया। कैसे टच किया? तो मतलब डॉक्टर मतलब नर्स हाथ में ली हुई थी, गाल से गाल लगाया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। वाह बहुत मस्त फीलिंग था ना, बहुत अच्छा, कभी नहीं भूलेंगे, इतना अच्छा फीलिंग, इतना अच्छा फीलिंग, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। बस मुझे ही जो है देखने को नहीं मिला, मतलब देखने को मिला ऑपरेशन थिएटर में, मतलब ओटी में मैं देखा, मुझे बुलाकर दिखा दिया गया, हाथ में दिया नहीं गया अभी क्योंकि बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, इस वजह से अभी हाथ में नहीं दिया गया है। अब बेबी को वॉश वगैरह करके जो है सीधा बेबी वार्ड में ले जाया जाएगा, और उसके बाद 2 घंटा बाद जो है मम्मी के पास लाया जाएगा फीडिंग के लिए। और अभी जो है हम लोग को मीटिंग आवर जो है ख़त्म हो रहा है, तो अब हम लोग को घर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है जनरल वार्ड में रखा हुआ है, तो विजिटिंग टाइम जो भी थोड़ा थोड़ा रहेगा। बाकी तो बहुत हैप्पी हूँ मैं, जो मांगा है वो मिला है, और क्या है क्या है आप लोगों को भी पता चल जाएगा, ये बॉय है गर्ल है वो तो आप आराम से पता चल जाएगा। फिलहाल अभी जो है मैं थोड़ा देर इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही देर में विजिटिंग आवर भी ख़त्म हो जाएगा। बाबू मत रो, बाबू मत रो, बाबू देखो पप्पा है, पप्पा कितना छोटू से, पप्पा है, पप्पा पप्पा को देखो, पप्पा को देखो, नो 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 मेरे बच्चा, ना बन बच्चा, ना मेरा बच्चा, ना मेरा बच्चा, मत करो मेरा बच्चा, मत करो, आँख से हंसू निकल गया मेरे बच्चे का। मेरे बच्चे को भूख को लगा है, हाँ। ओ चुनू 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 एकदम कॉपी पेस्ट तुम मालियो। पापा मैं घर आकर रेस्ट किया था, और फिर अभी जो है रात का बज रहा है 10:15 अगर देखिएगा, और अभी जस्ट हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जो कल सुबह उसको थायराइड का दवा देना है, और थायराइड का दवा मेरे घर पे ऑलरेडी है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लाया था, और प्रेगनेंसी में थायराइड थोड़ा बहुत सबको हो जाता है, तो एकदम कम वाला थायराइड है, तो वही दवा मैं देने जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अभी थोड़ा बेबी को भी देख लेंगे, मज़ा आ जाएगा। मैं जो है फिर से आ गया हूँ हॉस्पिटल में, और यहाँ मिसेस जो है फ़ोन में बात कर रही है, एक्चुअली वो यहाँ पे बोर हो रही है क्योंकि पूरा जनरल जो है खाली है, पूरा खाली है। प्राइवेट हॉस्पिटल में यही होता है जनरली, यहाँ पर थोड़ा बेड चार्ज वगैरह ज़्यादा है, इस वजह से जो है थोड़ा खाली है। वैसे आज सुबह ही 3 जन डिस्चार्ज हुआ, और 3 जन जो है पर्सनल रूम लेकर रह रहा है। बाय See you. अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया हूँ, बेबी से तो मिलने को मिला नहीं, फिलहाल एक झलक जो है दिखाई, विजिटिंग आवर है नहीं, एक्चुअली दवाई था इस वजह से मैं देने आया था। और ये है हॉस्पिटल, अब मैं घर जाता हूँ यार, सुबह उठाऊँ भोर का, अभी तक जो है नींद टूटा हुआ नहीं है क्योंकि रात को कल 3 बजे सोया था, रील्स लास्ट मिसेस ने बनाया था कल, और आज ऐसा हो गया। चलो सब कुछ अच्छा हो गया, एकदम मस्त। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और
बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय, ये तो आपको जो है बाद में पता चल जाएगा, मिसेस रिवील करेगी, तो वो सरप्राइज उसके के लिए ये जो है छोड़ देते हैं, वो बाद में रिवील करेगी। बाकी यार चेहरा भी जो हम लोग थोड़ा दिन बाद ही दिखाएंगे, फिर न्यू बेबी है ना, थोड़ा दिन बाद आप लोग चेहरा आराम से देख लीजिएगा। बीच में चेहरा मैंने ब्लर कर दिया था, चलिए कोई ना, मैं भी सही से अभी तक उसे गोद में उठा नहीं पाया हूँ, ना ही देख पाया हूँ, जो थोड़ा बहुत ही झलक देखने को मिला है, बट मैं खुश बहुत है। फिलहाल अभी बाइक करते हैं स्टार्ट और घर जाते हैं, और जो भी रहेगा ब्लॉग देखते रहिए, और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेंगे, अब तो बेबी से रिलेटेड, प्लीज़ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपके साथ।